Ya nabi salam olaika, ya rasool salam olaika, ya nabi salam olaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum to all my viewers. How are you today? do let me know in the comment section that. कैसे हैं आप और आप लोगों को मेरी तरफ से जशन ईद मिलादुलनबी बहुत बहुत मुबारक हो आज मैं आप लोगों के लिए एक ब्लॉग टाइप लेकर आई हूँ और ये हमारे मोहल्ले में जी हाँ हमारे मोहल्ले में कुछ इस तरह के मॉडल्स बनाए हुए थे और बहुत कुछ था और वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारे इर्द के जो मेरा एरिया है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर जश्न ईद उमिलानबी पर लोग क्या करते हैं और किस तरह सेलिब्रेट करते हैं सीरियसली ऐसा लगता है जैसे स्कूल का मीना बाज़ार नहीं होता बिल्कुल उसकी याद आ जाती है और हर कोई तैयार हुआ होता है और हर कोई घर से बाहर निकला होता है जगह जगह स्टॉल लगे होते हैं और स्टॉल्स पे क्या लग रहा होता है और क्या मिल रहा होता है चलिए मैं आज आपके साथ वही शेयर करती हूँ सो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहे क्योंकि बहुत मज़े मज़े की चीज़ें दिखाऊंगा बच्चों को तो बहुत मज़ा आ रहा होता है और बड़ी इंटरेस्टिंग नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं सो शी वॉज़ रियली हैप्पी अच्छा ये एक गली है जिसके अंदर आई थिंक कुछ आ, लड़कों ने मिलकर ये सारे मॉडल्स बनाए हुए थे जहाँ पर खाना कहबा का, का मॉडल है और रोज़ा पाक का मॉडल है गुम्बद है और उसके बाद ये है जी हरम का दरवाज़ा और इसके बाद जो आपको एक रात आ रही है इसमें से गुज़र कर तो यहाँ पर बड़ी डेकोरेशन की हुई थी और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हर सेक्शन को हर पार्ट को डेकोरेट किया हुआ था अब यहाँ पर जो मिरर वर्क हुआ हुआ ना क्या कमाल का लग रहा था और उसके ऊपर फिर जो डिस्को लाइट्स थी वो तो लग रहा था जैसे आप किसी क्लब में घुस रहे हैं सीरियसली इट वॉज सो नाइस अच्छा जी उसके बाद यहाँ पर आपको आ, जो अगला सीन नज़र आने वाला है ना वो आपने मिस नहीं करना क्योंकि वही तो देखने वाली चीज़ है और वो क्या है जी यहाँ पर उन्होंने अपनी एंट्रेंस बनाई हुई है और ये सिर्फ एक गली की बात नहीं बता रही जिस गली की तरफ भी आप मुड़कर देख लेंगे ना वहाँ पर एक नई चीज़ ही और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ही बनी हुई थी अच्छा अब रश बहुत था कुछ मुझे थोड़ी सी हेज़िटेशन भी हो रही थी कि मैं फ़िल्म बना रही हूँ और लोग कुछ माइंड ही ना कर दें अब ये एक घर है जिसको इस तरह सजाया हुआ है जिस तरह शादियों पर डेकोरेट करते हैं अब ये तो हो गई ही सारी डेकोरेशंस की बात और हर तरफ़ इस तरह की डेकोरेशंस थी लेकिन मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे स्टॉल्स खाने के स्टॉल्स जहाँ पर तैयारी हो रही है मज़े मज़े के खानों की और वो भी सब कुछ दिया जाएगा फ्री में अच्छा अब मैं ये नहीं कहती कि हर कोई ऐसे कर रहा था लेकिन बड़े ऑर्गेनाइज और बड़े तमीज़ से लोगों ने लाइन में लगकर चीज़ें ली हैं कुछ लोग थे जो जल्दबाजी कर रहे थे और धक्कम धक्का भी हो रहा था लेकिन आई थिंक ज़्यादातर सिविलाइज लोग ही थे और तमीज़ से ही खा रहे थे और तमीज़ से खा कर उन्होंने कचरा जो था वो जगह जगह ही वैसे फेंका हुआ था ये एक फ्लॉ है हम में कि हम जब खाते हैं कोई चीज़ तो उसको उसके रैपर को डस्टबिन में या एक जगह जमा करना जो है वो हम लोगों को नहीं आता बस हर बंदा अगर इंडिविजुअली अपना फ़र्ज़ पूरा कर लेना तो बस सारा मॉइचराइज सब आ जाए अब यहाँ पर देखिए जी ये बन रहा है तवे का कीमा और था मैंने जो जो खाया ना मैं आपको वो बताती हूँ साथ में था जी बिरयानी थी भटूरे थे दही भल्ले थे फ्रूट चाट थी ये तो मेरे हाथ लगी ना चीज़ें में थे और कोफियाँ थी और क्या था सीरियसली अब तो भूल भी रहा है कि मैंने क्या क्या देखा था और मैंने क्या क्या चखा था अच्छा इतने सारे जो स्टॉल्स थे उनमें मेरे हस्बैंड ने भी एक स्टॉल लगाया था और उसकी पिक्चर भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी तो व्लॉग में मेरे साथ बने रहे क्योंकि वो बहुत जल्दी आने वाला है ये एक उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पहाड़ी बनाई हुई थी मॉडल बनाया था हम तो इसको पहाड़ियाँ ही कहते हैं कि लाहौर में जी जब इस तरह के कोई दिन आता है तो जी हम पहाड़ियाँ लगाते हैं और हम लोग पहाड़ियाँ देखने बाहर जाते हैं खासकर जो लाहौर का स्टेशन है ना बहुत आला सजा हुआ है मैं बज़रा बाहर नहीं इतना निकली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बिजी थे और वो हमें लेकर नहीं जा सकते थे तो आई थॉट के नैमो माइंड इन वो ज़िंदगी में फिर मौका मिला तो आपके साथ वो सारी सीन भी शेयर करूँगी तो जी ये है जी मेरे हस्बैंड का स्टॉल और हमने लगाया था जी बारबी का और कबाब थे और ये सारी मेहनत और ये जो सारा काम है ना ये इन्होंने करवाया था और इनके साथ और दोस्त भी शामिल थे जिनके साथ मिलकर ये स्टॉल लगाया गया था और अभी आपको वो दिखाऊंगी अच्छा ये दूर जो आपको एक आ, स्टेज नज़र आ रहा है ना ये क्रेन के ऊपर स्टेज था और यहाँ पर रात को जी केक कटना था और वो केक भी मैंने सुना है कोई पचास साठ पाउंड का केक होता है जिस पर जो रात को काटा जाता है हमने तो वैसे कभी नहीं देखा ना कभी खाया और ये जी है मेरे हस्बैंड बाय बाय कह रहे हैं किस को वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मैडम है इनको इतने बिजी में बाबा के पास जाना है और जी Uh, ये है मेरा आज का ब्लॉग आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप दोबारा भी मेरे चैनल में आ सकें मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एज आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लवन सर अल्लाह हाफिज़